गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एरा। आप लोग जरा जल्दी से जुड़ जाएं जिससे कि क्लास शुरू हो, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की, और मेरे ख्याल से हमने सारे जरूरी ऑपरेटर्स बता दिए थे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से बताएं। चलिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो है प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पर्पस होता है ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ाना, ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देना। जैसे हमारे पास एक ऑपरेंड है सपोज ए, और उसकी वैल्यू है 5, और अगर आपने कहा ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को एक से बढ़ा देगा, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, isn't it? ये है इसका पर्पस। अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, क्लियर। तो प्री इंक्रीमेंट तब कहलाता है जब ये प्लस प्लस ऑपरेंड के पहले लगता है। जैसे अगर प्लस प्लस ए लिखा है तब ये कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट, पहले लगा है। अगर ये बाद में लगा है तो ये कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में ही क्या करेगा, ए की वैल्यू एक से बढ़ाएगा। अगर 5 है तो यहां पे भी ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहां पे भी ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, बट काम कैसे करता, किस तरीके से काम करता, इस पे फर्क है। जैसे कि मान लेते हैं आपने लिखा, इधर ध्यान दो, अगर हमने कहा b बराबर प्लस प्लस a, b बराबर प्लस प्लस a, अब यहां इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले a को बढ़ाओ, b बराबर a प्लस 1, a को पहले बढ़ाओ, उसके बाद b में स्टोर करो, यानी कि अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी ए बराबर ए प्लस 1, अब ए हो गया 6, अब बी बराबर 6, समझ में आया। तो यहां पे क्या रहा, पहले बढ़ा रहा है फिर स्टोर हो रहा है। अगर यही हमने लिखा होता बी बराबर ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, पहले बी बराबर ए करो, उसके बाद क्या करो, ए बराबर ए प्लस 1 करो। यहां पे क्या हो रहा है, पहले ए बराबर ए प्लस 1 कर रहा है, फिर बी बराबर ए कर रहा है, ठीक है ना। दो स्टेप हो रहा है, यहां पे भी यहां पे भी, यहां पे पहले ए को बढ़ा रहा है फिर स्टोर कर रहा है, और यहां पे पहले ए को स्टोर कर रहा है फिर बढ़ा रहा है। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, पहले बढ़ाओ फिर स्टोर करो, पहले स्टोर करो बाद में बढ़ाओ, क्लियर। यही और किसी को कोई दिक्कत, एनी मोर डाउट्स? आगे बढ़ जाए तो लास्ट टाइम पे हमने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। आज हमारी जो टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। हमने जब शुरू में सी के बारे में पढ़ाया था, सी के फीचर्स के बारे में बताया था, तो हमने ये कहा था कि हमारा जो सी लैंग्वेज है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फंक्शन। क्या है, यानी कि यहां पे हर चीज फंक्शन के थ्रू होता है। प्रोग्राम खुद भी एक फंक्शन है, इनपुट लेना है तो भी हम फंक्शन के थ्रू करेंगे, आउटपुट करना है तो भी फंक्शन के थ्रू ही करेंगे। कहने का मतलब यहां पे इनपुट और आउटपुट के लिए कोई कमांड नहीं है, इसके लिए हमें फंक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, राइट।
लिख लीजिए इन सी लैंग्वेज वी यूज functions for input and output. C language में हम input लेने के लिए functions का प्रयोग करेंगे, output करने के लिए भी functions का प्रयोग करेंगे. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन. इनपुट और आउटपुट के लिए कैरेक्टर के लिए फंक्शन, यानी कैरेक्टर का इनपुट लेना है या कैरेक्टर आउटपुट करना है उसके लिए कुछ फंक्शंस, ठीक है. टू एक्सेप्ट अ सिंगल कैरेक्टर as input or to display a single character as output we have character based input output functions. ठीक है, हमें एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है या एक सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करना है उसके लिए हम लोग कैरेक्टर बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रयोग करते हैं, राइट. उनमें से जो सबसे पहला फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है गेट सी फंक्शन. कौन सा फंक्शन? गेट सी. गेट सी मतलब गेट कैरेक्टर. गेट सी मतलब गेट कैरेक्टर. एक कैरेक्टर लो, कहां से लो वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना. इसमें लिख रहे दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट a single character from a file and store it in a variable. गेट सी फंक्शन क्या करता है, फाइल से, ध्यान से रखिए हमने क्या लिखा है यहां पे, कहां से लेता है, फाइल से एक कैरेक्टर लेगा, सिंगल कैरेक्टर, और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द पर्पस ऑफ गेट सी फंक्शन. That is the purpose of get C function. Is that clear? समझ में आया? Syntax.
वेरिएबल या आइडेंटिफायर इज इक्वल्स टू गेट सी फाइल, ये इसका सिंटैक्स है. वेरिएबल इज इक्वल्स टू गेट सी और कहां से लेना है, इस फाइल से लेना है. अब देखिए यहां पर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी समझने में, हमें इनपुट तो कीबोर्ड से करना है, इनपुट हम कहां से करते हैं, कीबोर्ड से. तो यहां पर हमने फाइल लिखा है, तो ध्यान रखिए हमने शुरू में बताया था हमारा सी का जो कंपाइलर होता है वो आपके कीबोर्ड को एक फाइल मान के चलता है. कीबोर्ड को क्या मानता है, फाइल मानता है. और कीबोर्ड का नाम, उस फाइल का नाम है STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट फाइल. कीबोर्ड हमारे लिए उस कंपाइलर के लिए क्या है, एक फाइल है. और उस फाइल का नाम क्या है, STDIN यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट फाइल. तो अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो मैं फाइल का नाम क्या लिखूंगा, समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लेते मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है एक्स. एक्स क्या है, एक कैरेक्टर है, यानी कि मेमोरी में कितनी बाइट जगह लेगा ज्वाला, ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा एक्स, पिटाई होगी. कैरेक्टर के लिए हमें कितना बताया था, वन बाइट. कैरेक्टर के लिए मेमोरी में कितनी जगह चाहिए, वन बाइट. तो एक्स के लिए कितनी जगह लेगा मेमोरी में, ये x हो गया, एक बाइट की जगह हो गई, इसका नाम क्या हो गया, x. अभी इसकी वैल्यू क्या है, गार्बेज. हमें नहीं पता, खाली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गार्बेज. उसमें क्या वैल्यू हमें नहीं पता है ना, क्या खा के आया हो मुझे नहीं पता, कूड़ा खा के आया हो, गार्बेज. मुझे जो नहीं पता मेरे लिए क्या है, गार्बेज. तो कंपाइलर के लिए इसकी वैल्यू क्या है, अभी गार्बेज. क्लियर. अब इसमें हमें इनपुट लेना है कीबोर्ड से, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल की जगह एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, एसटीडी. किस फाइल से ले, वेरी गुड. तो ये हो गया आपका, इस फाइल से एक कैरेक्टर लो और किसमें स्टोर कर दो, आसान है ना. तो कैरेक्टर इनपुट लेने का तरीका क्या है, वेरिएबल इक्वल्स टू गेट्स की एसटीडीएन. इज दैट क्लियर, एग्जांपल चाहो तो लिखो. हाँ जी बोलो, क्लास के नाम, इतना क्लियर. आगे बढ़ा जाए, इनपुट लेने के लिए हमारे पास गेट सी फंक्शन है, तो इसी प्रकार से आउटपुट देने के लिए, आउटपुट करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होगा, पुट सी. ठीक है ना, अगला फंक्शन में पढ़ेंगे वो, उसका नाम क्या है, पुट सी. वेरी गुड. तो नेक्स्ट फंक्शन दैट वी विल स्टडी इज पुट सी. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू print a single character on a file. एक single character को file में लिखने के लिए, file पर लिखने के लिए हम लोग कौन सा function use करते हैं, put c. very good. इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इसका सिंटैक्स होगा पुट सी, यहां पर वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं, कॉमा फाइल नेम जिस फाइल में लिखना है. सिंटैक्स क्या हो गया, पुट सी, जिस वेरिएबल का वैल्यू लिखना चाहते हैं वो वेरिएबल, कॉमा
फाइव, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग, मान लो जब आपने इसको कहा एच इक्वल्स टू गेट सी, तो आपसे मांगेगा एक कैरेक्टर, मान लेते आपने दबाया पी, क्या दबाया पी, तो एक्स में क्या स्टोर हो गया पी, एक्स में क्या स्टोर हुआ पी, सिंगल कैरेक्टर। अब हमें एक्स की वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूं, पुट सी लिखना है तो पुट सी, कौन सी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स कहां लिखना है मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन के लिए हम लोग पढ़े थे एसटीडी आउट, हमारा कंपाइलर क्या करता है मॉनिटर को एक फाइल मानता है, क्या मानता है स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल, तो इस फाइल में लिखना है, तो हम क्या लिखे यहां पे एसटीडी आउट। तो अब क्या करेगा इसकी जो भी वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू क्या है पी, तो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, समझ में आया। तो ये हमारा फंक्शन है आउटपुट करने का, गेट सी क्या फंक्शन है इनपुट लेने का। कोई ऐसा भी है जिसकी समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, हाँ देखिए x एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, x एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, अभी तो वेरिएबल था भाई, वेरिएबल अभी आप, मेरे ख्याल से आप दो दिन क्लास में नहीं थे, है ना, इसलिए पहले आप पुराना वीडियो जो पढ़ा है उसको देख लेना। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरिएबल को ही हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन को ही कहते हैं वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बदली जा सकती है, वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू जो बदली जा सकती है, तो एक्स हमारा एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें अभी भी है, बाद में चेंज कर सकते हैं, तो ये एक्स हमारे लिए वेरिएबल है या मेमोरी लोकेशन है, राइट। तो अभी हमने एक्स में इनपुट लिया, कहां से लिया एसटीडी इन से, एसटीडी यानी कि कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से जो आपने डाला वो कैरेक्टर किसमें गया एक्स में, हमने पी दबाया था तो पी गया, राइट। फिर हमने पुट सी कहा, पुट सी मतलब प्रिंट करो, कहां प्रिंट करो इस फाइल में, ये फाइल मतलब मॉनिटर, तो मॉनिटर पे उस फाइल को प्रिंट कर देगा, किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है समझ में आया। तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट का तरीका, क्या अभी भी कोई ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आई, गुड। चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे, अब देखिए बड़े चुटकियों में आपने प्रोग्राम लिखना सीख लिया, हम कैसे एक कैरेक्टर इनपुट लेकर के प्रिंट करेंगे, प्रोग्राम टू राइट टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट, क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट। आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और उसे प्रिंट करना है, तो कैसे लिखेंगे पहले इसको लिखते हैं। अब चूंकि आपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शन यूज करने हैं एसटीडी इन और एसटीडी आउट, तो इसका हेडर फाइल है stdio.h, हमने पहले दिन बताया था, तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड क्या stdio.h, ठीक है, क्योंकि हम लोग गेट सी और पुट सी फंक्शन यूज करने वाले हैं, और ये गेट सी फंक्शन और पुट सी फंक्शन कहां पे डिफाइन है, किस हेडर फाइल में है stdio.h में, इसलिए हमने इस फाइल को इंक्लूड किया है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब चूंकि हम लोग सीएलआर एससीआर भी यूज करने वाले हैं, तो हमने यहां पे लिखा हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग
एक फंक्शन यूज करेंगे CLR SCR, कौन सा? हाँ, तो चूंकि उसको यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, जितने भी डॉट एच है वो मतलब हेडर फाइल है। हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। व्हाट इज हेडर फाइल? इट इज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। हर हेडर फाइल में एक या एक से अधिक फंक्शन होंगे जो किसी ने बना करके रख दिया है, अब आप उसका खाली यूज कर रहे हैं। अब जब यूज करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करना आवश्यक है। समझ में आ गया? चलिए अब void main, हमने शुरू में बताया था कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में एक फंक्शन आप बनाएंगे main, जो कि इकलौता फंक्शन है जिसको कंपाइलर कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा। नाम बदलेंगे तो रन नहीं करेगा, नाम वही रहना चाहिए क्या? main। तो main फंक्शन लिख रहे हैं और इस main फंक्शन में हमारा क्वेश्चन क्या है? एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और उसे प्रिंट करना है। तो ध्यान रखिए हर एक प्रोग्राम में, मैं सबका ध्यान चाहता हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, हर एक प्रोग्राम में चाहे कोई भी प्रोग्राम हो उसके तीन मुख्य स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? तीन। कौन कौन सा? इनपुट लो, इनपुट लो, प्रोसेस करो और आउटपुट दो, यही होता ना। अब इनपुट लो, लो के तो कहीं रखोगे ना, उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करो। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर, पहले डिक्लेयर वेरिएबल, है ना, पहले क्या करेंगे? डिक्लेयर वेरिएबल, उसके बाद उसमें लेंगे इनपुट। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फिर उसमें लेंगे इनपुट, और प्रोसेसिंग करेंगे क्या? ऑपरेशन ऑन इनपुट डेटा, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। जो इनपुट लिया किसमें रखा है? वेरिएबल, तो उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, जो भी करना है, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग वगैरह। और आउटपुट करेंगे तो क्या करेंगे? आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेसिंग का तरीका होगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। हम बार बार ये चीज नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ गए होंगे। तो यहां पे चूंकि हमें कह रहा है एक कैरेक्टर इनपुट लेना है तो आपको एक वेरिएबल चाहिए, चाहिए ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं int x, हमें कैरेक्टर चाहिए तो हमारा डेटा टाइप क्या होना चाहिए? क्या? वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा? क्या x हमारा किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल होगा, यानी कि मेमोरी में कंपाइलर क्या करेगा? एक बाइट की जगह ले लेगा और उसका नाम रख देगा x। क्लियर? अब इसमें इनपुट लेना है, इनपुट लेने से पहले मैंने लिखा CLR SCR, लिखना जरूरी नहीं बट हमने लिखा है। इसका काम क्या है? हाँ, अगर आपका मॉनिटर पे पहले से कुछ लिखा है तो पहले से पूरा साफ कर देगा। मॉनिटर पे अगर पहले से कुछ है तो क्या करेगा? उसको यानी कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इनपुट लेना है, तो हमने लिखा इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन पड़ा था? getC, x equals to getC, और कहां से लेना है? STD से लेना है, ठीक है ना, यानी कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट लेगा। अब इसे क्या करना चाहते हैं? हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए अब देखिए इसमें और कोई प्रोसेसिंग नहीं है, केवल प्रिंट करना है। तो सीधे सीधे हम करेंगे पुट सी, किसकी वैल्यू प्रिंट करना है? एक्स की वैल्यू। कहां प्रिंट करना है? मॉनिटर पे। काम खत्म, ये हो गया हमारा प्रोग्राम, सिंपल इजंट इट। अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है? सेव करना है। ध्यान रखिए जब सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो फाइल नेम लिखेंगे और उसका एक्सटेंशन हमेशा सी होता है। सी प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? सी होता है, डॉट सी। यानी कि अगर आपने इसको नाम दिया सपोज
तो ए डॉट सी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। अगर इसमें कोई एरर नहीं मिलेगा तो बना लेगा ए डॉट ओबीजे, क्या बनाएगा ए डॉट ओबीजे। फिर आप इसको करेंगे लिंक, जब लिंक करेंगे तो बन जाएगा ए डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इसको रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास जो आप लोग अगर टर्बो से यूज करें तो आप ऑल्ट प्लस F9, नेक्स्ट हफ्ते इसको यहां पे करके भी दिखा देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे होता है। एक डेमो करके दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें प्रोग्राम लिखना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो कंपाइल ऑल्ट F9 से कंपाइल करेगा और लिंक करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 क्या करता है, कंपाइल भी कर देता है, लिंक भी कर देता है। तो हम दो बार में करने के बजाय सीधे सीधे क्या करते हैं, कंट्रोल F9। तो लिंक कंपाइल भी कर देगा, लिंक भी कर देगा, और उसके बाद उसको रन कर सकते हैं, राइट। समझ में आया, तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। आगे बढ़े वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। देखिए जब भी फंक्शन हम बनाते हैं, हालांकि अभी बहुत जल्दी है बताना, अगर हम बताएंगे तो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट फिर भी जान लीजिए चूंकि क्वेश्चन उठा है तो जान लीजिए। फंक्शन हमेशा आपसे कुछ लेता है और आपको कुछ ठीक है ना। तो जो लेता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। फंक्शन आपसे जो ले रहा है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है। और जो आपको देता है उसको बोलते हैं रिटर्न डेटा, क्या बोलते हैं रिटर्न डेटा। उदाहरण के लिए अगर आपको एक शर्ट सिलवाना है तो आप किसके पास जाते हैं, टेलर के पास, दर्जी के पास। तो आपका फंक्शन है टेलर, आपका फंक्शन कौन है टेलर, क्योंकि उसको पता है कि शर्ट कैसे सिला जाता है। तो जब आप टेलर के पास जाते हैं आप उसको क्या देते हैं, एक तो कपड़ा देते हैं, अपना नाप देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा देते हैं, है ना। तीन चीज देते हैं ना, क्या क्या, पैसा, नाप और कपड़ा। तीन चीज दिया तो ये हो गए आर्ग्यूमेंट। टेलर को आपने तीन चीज दिया, ये क्या हो गया, और टेलर क्या करेगा, आपके नाप के अनुसार, आपके डिजाइन के अनुसार क्या करेगा, शर्ट सिलेगा और आपको रिटर्न करेगा। ऐसा तो नहीं रखेगा, वो रिटर्न करेगा ना, बोलेगा तीन दिन बाद आओ, चार दिन बाद आओ, जब आप जाओगे तो आपको ड्रेस मटेरियल दे देगा, ड्रेस दे देगा ना। तो ये हो गया रिटर्न, आपका रिटर्न टाइप क्या हुआ, शर्ट दिया आपने, तीन चीज मिला आपको, समझ में आया। तो ये रिटर्न हुआ। तो ऐसे ही फंक्शन क्या करता है, कुछ लेता है और कुछ देता है। देखिए मेन फंक्शन यहां पे कुछ नहीं ले रहा है, तो ये भी वॉइड, हम चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं लेता है तो उसको बोलते हैं वॉइड। अब मेन कुछ दे भी नहीं रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो लिख देंगे वॉइड। अगर दे रहा होता, मान लो इंटीजर दे रहा होता तो लिखते INT, अगर कैरेक्टर दे रहा होता तो लिखते कैर, अगर फ्लोर दे रहा होता तो लिखते फ्लोर एंड सो। समझ में आई बात। तो हर एक फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप होता है और कुछ पैरामीटर्स होता है। अगर कोई पैरामीटर नहीं तो लिखेंगे वॉइड, अगर कुछ रिटर्न नहीं करा तो लिखेंगे जो भी लिखा था। हाँ, इसी को कहते हैं पैरामीटर या क्या, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं ले रहा है तो वह है वॉइड, आप वर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी वो वर्ड है, बट रिटर्न टाइप में वर्ड लिखना आवश्यक है, रिटर्न टाइप में वर्ड लिखना आवश्यक है। क्योंकि सी लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिए, अगर सी लैंग्वेज में फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिखा है तो कंपाइलर उसको मान लेता है इंटीजर, क्या मान लेता है, तो चूंकि वहां पे ऐसा रूल है इसलिए यहां पे वर्ड लिखना आवश्यक है। इज दैट क्लियर नाउ, एनी मोर क्वेश्चंस। हाँ, तो देखिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, चुटकियों में कितने दिन पढ़ा, तीन दिन, चौथा दिन आज, और चार दिन में आपने प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया।
इससे जल्दी आप कहीं नहीं लिख सकते। प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको लिखना है। एक दिन हम आपको करके दिखा देंगे, कल की क्लास में हम आपको यहाँ पे डेमो दे देंगे कैसे प्रोग्राम खोलना है, कैसे उसमें प्रोग्राम लिखना है, कैसे कंपाइल करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद से जब आप लैब में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देंगे वो लैब में उसको प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? जिनके पास घर पे कंप्यूटर है वो घर पे भी उसको करेंगे। आगे बढ़े। Yes, please. अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला फंक्शन है वो है गेट कैर फंक्शन। अभी गेट ही पढ़ा था, ये उससे मिलता जुलता ही फंक्शन है बट डिफरेंट है। नाम क्या है? गेट। इसका डेफिनेशन है दिस फंक्शन इज यूज टू accept a single character from keyboard। कुछ फर्क नजर आया? वहां पर हमने लिखा था from a file, वहां पे क्या लिखा था? फ्रॉम अ फाइल। यहां पे क्या लिखा है? यानी कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं यहां पे कि कहां से लेना है, उसको पता है कहां से लेना है। बाय डिफॉल्ट उसको पता है कहां से लेना है, कहां से लेना है कीबोर्ड से। तो वहां पे आपको बताना पड़ रहा था एसटीडी इन से लेना है, कौन सी फाइल से? एसटीडी इन से। बट यहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे बता दिए कि इनपुट लेना है बस। अब इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू गेट कैर। इसमें पैरामीटर देने की आवश्यकता नहीं है, आर्ग्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं, वहां पे देना पड़ रहा था। तो देखा जाए काम वही कर रहा है, क्या? कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, बट इसमें थोड़ा सा आसान हो गया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो आलसी लोग हैं उनके लिए यह फंक्शन है जिनको लिखने में दिक्कत होती है, है ना? क्यों सुधीर? ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम आलसी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है x, और अब इसमें इनपुट लेना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू यस, x इज इक्वल्स टू गेट कैर। काम वही करेगा, एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, ठीक है ना? जल्दी से नोट करें। आगे बढ़ते हैं। पुट कैर जैसे कि पुट सीधा, वैसे ये भी क्या करेगा? पुट करेगा। दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट सिंगल कैरेक्टर ऑन मॉनिटर। यहां पे देखिए फर्क है, वहां पे फाइल लिखा था, यहां पे हमने सीधे सीधे क्या लिखा? मॉनिटर पे लिखा है। यानी कि यहां पे एसटीडी आउट बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा? इसका सिंटैक्स हो जाएगा यस प्लीज पुट कैर वेरिएबल नेम दैट्स इट। फॉर एग्जांपल पुट कैर एक्स, तो एक्स की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा।
समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये गेट कैन और पुट कैन, गेट सी और पुट सी, ये सारे फंक्शन stdio.h में ही डिफाइंड है। तो अगर आप इनमें से कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपको प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h लिखना आवश्यक है। बड़े लाल समझ में आ रहा है कि नहीं? कर तो आपका होमवर्क है जो अभी प्रोग्राम हमने लिखा था गेट सी और पुट से, पुट सी से, सेम उसी को किससे लिखेंगे आप? गेट कैर और पुट कैर से लिख लेंगे। यस सर। लिख लेंगे कि नहीं? पवन मुंडी सिर्फ ऐसे मत लाओ, करके दिखाना पड़ेगा। अगला फंक्शन हमारा है गेट डब्ल्यू। अगला फंक्शन क्या है? गेट डब्ल्यू। ये जो गेट डब्ल्यू फंक्शन है ये आपसे इंटीजर इनपुट लेता है। कौन सा इनपुट लेता है? गेट सी कैरेक्टर, गेट कैर कैरेक्टर, गेट डब्ल्यू इंटीजर। यानी ये इंटीजर बेस्ड आईओ फंक्शन है। कैसा है? अभी तक जो चार पढ़े वो कैसे थे? कैरेक्टर बेस्ड थे। अब ये कैसा है? इंटीजर बेस्ड। अगर आपको एक सिंगल इंटीजर लेना है, एक नंबर इनपुट कराना है, तो नंबर इनपुट कराने के लिए गेट डब्ल्यू। तो व्हाट इज द पर्पस? दिस फंक्शन is used to accept an integer from a file. ध्यान रखिए यहां पर हमने क्या लिखा है? फाइल। एक तो इंटीजर इनपुट लेता है, दूसरा फाइल से, यानी कि अगर कीबोर्ड से इनपुट कराना है तो एसटीडी इन बनाना पड़ेगा। राइट सिंटैक्स आप लोग अनुमान लगा सकते हो सिंटैक्स का। वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वेरी गुड, और यहां पे फाइल नेम है ना। उदाहरण के लिए हमने लिखा आई एम टी ए, और ए में इनपुट कराना है तो आप क्या लिखोगे? ए बराबर गेट W किस फाइल से लेना है? वेरी गुड एसटीडी। इज दैट क्लियर? आसान है ना। इंटीजर के लिए गेट W, कैरेक्टर के लिए या तो गेट C या आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। गेट डब्ल्यू पढ़ा है तो पुट डब्ल्यू भी पढ़ा होगा, पढ़ना पड़ेगा है ना। पुट डब्ल्यू ये क्या करता है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एन इंटीजर इन अ फाइल। किसी फाइल में इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट डब्ल्यू। ठीक है ना। सिंटैक्स क्या होगा? पुट डब्ल्यू वेरिएबल नेम कॉमा फाइल नेम। अब चूंकि हमें फाइल यहां पे मॉनिटर पे प्रिंट करना है तो फाइल नेम क्या यूज करना पड़ेगा? एसटीडी आउट है ना। तो यहां पे क्या लिखे?
अगर हमें x की वैल्यू जो इनपुट कराया था या a की वैल्यू जो इनपुट कराया था प्रिंट करना है, तो क्या लिखे, put w a comma std r। समझ में आया? तो ये आपका इनपुट और आउटपुट लेने का देने का तरीका हुआ। इंटीजर इनपुट लेना है तो गेट डब्ल्यू, इंटीजर आउटपुट करना है तो पुट डब्ल्यू, कैरेक्टर इनपुट लेना है तो गेट सी या गेट कैर, आउटपुट करना है तो पुट सी या पुट कैर। आसान है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ। तो चलो भाई एक और कर लेते हैं काम इसी में। एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। दो नंबर इनपुट कराना है और उनका सम प्रिंट करना है। फिर अब ध्यान दीजिए, दिमाग आपका दौड़ना चाहिए, कितने इनपुट लेने हैं? दो। तो कितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी? दो। और प्रोसेसिंग क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ करके उसमें क्या किसी ने स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए आउटपुट के लिए भी वेरिएबल चाहिए, यानी कि टोटल कितने वेरिएबल चाहिए? तीन। दो इनपुट के लिए, एक रिजल्ट के लिए, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे। तो इनपुट हो गया दो नंबर इनपुट लेना है, प्रोसेसिंग हो गया जोड़ना है, और आउटपुट है वो जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करना है। सोचना शुरू कर दिया, अब इसको लिखना शुरू कर दूं। हैश इंक्लूड, वेरी गुड, रट गया ना, दो ही बार में एकदम रट जाता है। इंक्लूड, बोलो भाई, एच वॉइड, बोलो भाई, नेम, और यहां पे क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन शुरुआत में ही करते हैं, तो यहां पर कर डालो आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी। ए और बी में इनपुट लेंगे, सी में हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो पहले क्लियर स्क्रीन, हालांकि जरूरी नहीं बट फिर भी कर दिया। अब हमें दो नंबर लेना है, तो हमने लिखा ए बराबर गेट डब्ल्यू एस के डी ए, एक नंबर इनपुट हो गया। बी बराबर गेट डब्ल्यू एस के डी ए, अब इसको प्रोसेसिंग करो, सी बराबर ए प्लस बी, ऑपरेटर यूज कर लिया, सी बराबर ए प्लस बी। अब इसको रिजल्ट को प्रिंट करें तो हम क्या लिखें, पुट डब्ल्यू सी कॉमा एस टी डी काम करता है ना सर, इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग हमारे क्वेश्चन के अनुसार सम चाहिए ऐड कर लिया, अगर हमने कहा था कहा होगा डिफरेंस चाहिए तो माइनस कर लेते हैं, हमने कहा था प्रोडक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आएगा, जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसे हमसे प्रोसेसिंग बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करने से पुण्य मिलता है, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।